अगर आपके पास भी एक ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड आपने बनवाया हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा का आपके पास मैसेज आया होगा। इस तरीके का एक मैसेज सबके पास आ रहा है। दरअसल ये निपुण योजना क्या है और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आपके पास ई श्रम कार्ड होगा तो। सो इस वीडियो में आपको इसका डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ, साथ ही बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट और एक काम मिलने वाला है। तो कंप्लीट प्रोसेस चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको आना है एक लिंक पर, इसके जो डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं स्किल इंडिया पोर्टल। जो लोग भी बेरोजगार हैं, जो कोई काम धंधा नहीं करते हैं, या फिर जो लोग भी क्वालिफाइड हैं या फिर बिना क्वालिफाइड भी, आप यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐलान है कि जिनका ई श्रम कार्ड बनाया हुआ है उनका अगर कुछ टैलेंट है तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद उनको अच्छा खासा यहाँ पर कमीशन यानी कि मोटी रकम का एक जॉब भी यहाँ पर दिलाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौशल भारत, जो कि निपुण नई सीख नई दिशा। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो निपुण का लोगो मिल जाएगा। इसके बाद नीचे प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि 4.5 करोड़ जो अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी वो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन भाग ले सकता है, उनका एज कितना होना चाहिए, जॉब का रोल क्या होगा, आधार कार्ड और क्या क्या देना होगा, आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। साथ ही ट्रेनिंग का लाभ, ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये के कवरेज के साथ 3 साल का एक्सीडेंट कवरेज भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि इंश्योरेंस के तौर पर, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद नियोक्ता का लाभ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी सारे फ़ायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्री में होगा सब कुछ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए रजिस्टर का एक बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए चूज अपर ग्रुप है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी चूज करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर कैंडिडेट चूज कर लेता हूँ। कैंडिडेट चूज करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म निकल के चलाएगा, बस आपको इसे फिल करना होगा। पहले आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन में मिस्टर या फिर मिस लिखना है, फुल नेम आपके आधार कार्ड में या फिर आपका ई श्रम कार्ड में क्या है यहाँ पर लिखेंगे। गार्डियन में अपना फादर का नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट करके डालेंगे, जेंडर डालेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ओनर ऑफ मोबाइल यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल किसका है, आप यहाँ पर अपना खुद का है, फादर का है, मदर का है, सिबलिंग का है या फिर गार्डियन का है यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका खुद का है तो सेल्फ डालेंगे। प्रेफर्ड टाइम टू कॉल, आप किस टाइम में बात करना चाहते हैं, आप किस टाइम में फ्री रहते हैं, यहाँ पर अपना टाइम चूज करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए। इसके बाद ओनर ऑफ अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आप जो दूसरा वाला मोबाइल नंबर यानी कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिए हैं वो किसका है, फादर का है, मदर का है, सिबलिंग का है या फिर गार्जियन का है यहाँ पर डालेंगे। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। प्रीफर्ड लैंग्वेज टू स्पीक, वहाँ से जो कॉल आएगा आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, यहाँ पर उड़िया भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, अपने हिसाब से चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, आपने क्या पढ़ाई किए हैं, यहाँ पर देखिए 5th क्लास पास भी है, 12th भी है, LLB है, BSc है, जो भी अपने पास आपने कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पर डालेंगे। लोकेशन डिटेल्स में पिन कोड डालेंगे, स्टेट को अपना यहाँ पर ऐसे डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज़ करेंगे, और प्रेफरेंस में सेक्टर में आप क्या डालेंगे, जैसे कि आपको मतलब कि कौन सा टाइप में जाना है, कौन से सेक्टर में काम करना है, कौन से सेक्टर में ट्रेनिंग करना है, उसके लिए आपको सेक्टर डालना होगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन भी है, जो घर वार जो बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, फार्मर का, ब्यूटी एंड वेलनेस भी है, ग्रीन जॉब्स है, लाइफ साइंस है, लॉजिस्टिक्स है, मैनेजमेंट है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, पेंटिंग भी है, रबर है, स्पोर्ट्स है, अपने हिसाब से यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सब सेक्टर में आप यहाँ पर अपने हिसाब से डालेंगे। जब रोल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप मतलब कि डिजिग्नेशन एक तरह का कह सकते हैं कि कौन सा काम आपको करना है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रिपेयर सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटर सेल रिप्रेजेंटेटिव, ई वेस्ट कलेक्टर, इन स्टोर प्रमोटर, तो यहाँ से अपना जो है जॉब रोल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करने में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोग्राम में यहाँ पर मैं क्लिक करके स्किल ऑन व्हील्स डालता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट इन, अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो पेड भी है, रोजगार मेला है, PMKVY ट्रेनिंग भी है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे पास एक ID पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, इसे हम सेव कर लेंगे। इसके बाद ओके। इसके बाद यहाँ पर बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक लॉगिन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड जो मिला है उसे डाल के लॉगिन करेंगे। अभी आपके जो पासवर्ड करेंट है यहाँ पर डाल लेंगे और नया पासवर्ड सेट करके लॉगिन करेंगे। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इसके बाद ओके। फिर से हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। हमारे सामने ओपन हो चुका है स्किल इंडिया का डैशबोर्ड, यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए माई प्रोफाइल है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर सभी को कंप्लीट करना होगा। हमने जैसे कि अभी फिल किया था फॉर्म को, ठीक वैसे आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपका जो फुल नेम वगैरह है आपने जो फिलअप किया हुआ है, बाकी छोटा मोटा जो छोटा हुआ है आप यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ पर अल्टरनेटिव आईडी या फिर आधार है, तो आप यहाँ पर डाल के आधार नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वेरीफाई करेंगे। इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना होगा। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, कोर्स प्रिफरेंस और डिक्लेरेशन एंड सबमिशन आपको इसे कम्प्लीटली फिल करना होगा। एक बार आप कम्प्लीटली फिल कर लेंगे तो फिर से आप आ जाएंगे डैशबोर्ड में। आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा आपको बैच मिलेगा, आप जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिस भी कोर्स आपको ट्रेनिंग करने का, तो आपको अपना मिलता जुलता जो भी आपका कोई और है आपका सेम बैच में तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर व्यू माई बैचेस पर क्लिक करके देख सकते हैं और सभी बैच को देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर व्यू ऑल ट्रेनिंग सेंटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा स्टेट में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। सेक्टर आपने कौन सा सेक्टर दिया हुआ था यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं अपना सेक्टर यहाँ पर डाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज़ करेंगे और जॉब रोल में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके नियर बाई में जो भी आपके सेलेक्ट किया हुआ एलिजिबल ट्रेनिंग सेंटर होगा तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर उनका नाम डिटेल्स में सब कुछ आ जाएगा, उनका एड्रेस भी। तो एक्शन लास्ट में देखिए एक्शन है, इसके बाद थ्री लाइन होगा, जो भी सेंटर में आप करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग उस सेंटर में ले सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर जो काम मिलेगा करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने जाना कि इस तरीके से अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं निपुण योजना के तहत। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।